ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपका यहाँ पे बहुत स्वागत है। आप फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आ चुके हो एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट कि आप एटलीस्ट वॉच तो कर रहे हो। वॉट एवर, नाउ जस्ट आई वॉन्टेड टू से कि येस आई एम लेट, सो आई एम लिटरली सॉरी अबाउट दैट, बट आई एम अप अगेन विद अ न्यू टॉपिक। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा सीरियस है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सीरियस है, बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं इस टॉपिक को इतना सीरियस नहीं रखूँगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि इतना सीरियसनेस लाइफ में अच्छा नहीं होता, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को थोड़ा लाइट रखूँगी ताकि समझ में भी आ जाए आप लोगों को कि व्हाट आई वांट टू पोर्ट्रे, एंड ऑल्सो आपको इतना स्ट्रेस फील ना हो या फिर सीरियस फील ना हो एटलीस्ट। सो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है मूवीज़ के ऊपर। येस यू हर्ड इट राइट, मूवीज़ के ऊपर, सिक्स वेज बाई विच वी कैन से दैट मूवीज़ इन्फ्लुएंस आवर लाइफ अ लॉट। सो येस, सो दिस इज़ द टॉपिक एंड मैं ऐसे छः रीजन्स आपको, छः वेज आपको बताना चाहती हूँ जिस वजह से हमारा लाइफ इन्फ्लुएंस हो रहा है मूवीज़ के वजह से। सो गाइज इसको इतना सीरियसली मत लेना, बट फिर भी आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि अगर ये आपके साथ हो रहा है, अगर आप ये महसूस कर रहे हो तो शायद आपको ये करना बंद करना पड़ेगा या फिर कुछ करना होगा उसके लिए। आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट्स इन दिस टॉपिक, होल एंटायर टॉपिक, सो या जस्ट स्टे ट्यून्ड। मेरा पहला पॉइंट दैट इज़ एक्स्ट्रा वैगेंसी। सो आप अभी सोच रहे होंगे कि एक्स्ट्रा वैगेंसी मूवी के साथ क्या लिंकअप होता है और इसका इससे क्या रिलेशन है। सो लेट मी टेल यू गाइज कि एक्स्ट्रा वैगेंसी बढ़ जाता है जब हम एक मूवी देखते हैं। मूवीज़ में ऐसा होता है कि सुबह आप एक झोपड़पट्टी में उठते हो, दूसरे वाले सुबह देखते हो आप एक बड़े से महल में उठते हो, और तीसरे वाले सुबह आप देखते हो आप हेवन में हो। तो ऐसा मूवीज़ में हो सकता है, नो डाउट इन दैट, बट ऐसा रियल लाइफ में होना मुश्किल है। कभी कभी तो मूवीज़ में कोई मरा हुआ इंसान जिंदा भी हो जाता है, ऐसे भी होता है मूवीज़ में। आप ऑब्वियसली सब लोग मूवीज़ देखते हैं, सबको पता है ये चीज़। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतने भी इन्फ्लुएंस मत हो जाओ कि आपको ऐसा लगने लगे कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये मूवी है या मेरा खुद का अपना रियल लाइफ है। सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मूवी एंड इन अ रियल लाइफ। और ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा वैगेंसी जो मैंने बोला अभी, टीनेज ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं इस चीज़ से, बिकॉज दे थिंक दैट एवरीथिंग विच इज़ गोइंग इन अ रील और अ मूवी दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन देयर ओन लाइव्स। सो माय सेकंड पॉइंट इज दैट दे सी देमसेल्व्स इन डिफरेंट कैरेक्टर्स। अब ये पूछोगे कि कैरेक्टर्स का इसमें क्या लेना देना भाई, इसमें कैरेक्टर्स, मूवीज़ के कैरेक्टर्स तो मूवीज़ के कैरेक्टर्स होते हैं, हम इससे क्या। तो मैं आपको बोलती हूँ कि आजकल के मूवीज़ में कैरेक्टर्स बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। किसी का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो किसी का कैरेक्टर बुरा रहता है। विलन ले लो, हीरो ले लो, हीरोइन ले लो, डिफरेंट कैरेक्टर्स रहते हैं। बट एक इंसान कौन से कैरेक्टर को लेके इन्फ्लुएंस हो रहा है, एक इंसान उस किस कैरेक्टर को बेसिस पे कैसे देख रहा है, वो उस इंसान के ऊपर ही डिपेंड करता है। और बेसिकली टीनेजर्स क्या करते हैं कि इफ़ वी टॉक अबाउट डिफरेंट कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं एटीट्यूड वाले, दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, दे आर वेरी एटीट्यूड एंड ईगोइस्टिक कैरेक्टर्स विच इज़ नॉट एप्लीकेबल इन अ रियल लाइफ। दैट डज नॉट मोटिवेट पीपल। सम पीपल थिंक कि हाँ मेरे में तो ये एटीट्यूड है, मेरे में तो ये ऑलरेडी है, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि मैं इंट्रोवर्ट होके या तो मैं एक्सट्रोवर्ट होके गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा होता है। दे जज देम सेल्स, यू नेवर नो दैट हाउ मच टैलेंटेड यू आर। देर आर सच कैरेक्टर्स विच आई वोंट रियली नेम देम, बट यू कुड गेट इट, मैं अपनी फेवरेट हूँ, दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन मूवीज। रियल लाइफ में अगर आप इतने ईगोइस्टिक बन जाओगे, इतने ज़्यादा हाव भाव आपका बढ़ जाएगा, तो लोग आपको दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू, दिल जस्ट थिंक, दिल जज यू, दे विल ऑलवेज टेल यू दैट यू हैव एटीट्यूड प्रॉब्लम, यू हैव ईगो प्रॉब्लम्स। सो या दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस। माई थर्ड पॉइंट इज दे सेट अनरियलिस्टिक गोल्स।
which is again a big problem within the movies, which I feel is a very, very big problem even for teenagers, for adults, for, you know, bachcha, jo bhi chhota bachcha, kisi ke liye bhi ek bahut bada problem hai. See pictures like where they achieve goals very, you know, quickly, spending 2 hours watching a movie. You can't really decide the real struggle of life. I am damn sure about it. So yeah. नोबडी को डिसाइड कि वो एक रियल स्ट्रगल कैसा होता है. रियल स्ट्रगल के लिए बरसों बरसों लग जाते हैं और वो एक मूवी डिसाइड नहीं कर सकता. एक मूवी से आप इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते. स्ट्रगल इज़ ऑलवेज रियल एंड रियल लाइफ में ही स्ट्रगल होता है. रियल लाइफ में कभी स्ट्रगल नहीं होता, चाहे वो कितना भी अच्छा मूवी क्यों ना हो. बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड से कि हाँ, मूवीज़ हमें इन्फ्लुएंस अच्छे तरीके से भी करते हैं. दे ऑल्सो टीच अस अ लॉट. देर आर अ लॉट ऑफ मोरल विच वी गेट फ्रॉम मूवीज़. बट एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो मूवीज़ हमें बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से भी इन्फ्लुएंस करते हैं. एज इफ लाइक अगर किसी को यू नो रिलेशनशिप में गोल्स एंड ऑल साइड में मूवीज़ में जैसे म्यूजिक बजता है, पहला नशा, पहला कुमार एंड दीज ऑल स्टफ्स, लाइक ये सब ना, ये सब नाटक है, ड्रामा है. ये सब मूवीज़ में अच्छा लगता है गाइज, बट रियल लाइफ में नहीं है. यू नो इससे क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगते हैं. किसी किसी को लगता है अरे यार हम बन जाएंगे एक दिन में एक्टर एक्ट्रेस. किसी किसी को लगता है आज हम एक दिन में क्रिकेटर बन जाएंगे. हम दूसरे दिन में किसी को और लगेगा कि हम टॉपर है, ये है, IAS मिल गया, ये हो गया, वो हो गया. You have to do the real struggle of your life and damn it, that is what you need to do. So my fourth point is they want real in their real life. So this is again very bad. That मतलब एक real life में आप real कैसे expect कर सकते हो. Suppose आपने किसी एक movie में देख लिया कि mountain climbing and all those stuffs, trekking वगैरह जो भी, swimming and all those stuffs, and you think कि यार मुझे भी करना है, adventure है ये, मुझे भी करना. भाई कैसा हो सकता है. किसी किसी के घर पे सिचुएशंस ठीक नहीं होते, किसी किसी के हेल्थ सिचुएशंस ठीक नहीं होते. आप मतलब आपका हेल्थ सिचुएशन ठीक नहीं और आपने पेरेंट्स को जाके आपने बोल दिया कि मुझे यहाँ जाना है, मेरे को लेके चलो. नहीं नहीं लेके चलो तुम. वहाँ पे क्या होता है पता है, वहाँ पे आप अपने एक्सपेक्टेशन तो लूज करोगे ही करोगे, ऊपर से आपके पेरेंट्स का भी मेंटल पीस खराब हो जाता है. विजुअलाइजेशन में देखते हो वो आपके रियल लाइफ में नहीं हो पाता, क्योंकि आप कंपेयर करते हो चीज़ों को जो कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन योर रियल लाइफ. सो माय फिफ्थ पॉइंट इज, एंड यू गाइज नीड टू लिसन टू इट गाइज, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर विच आई रियली वॉन्टेड टू स्पीक अबाउट इन अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट आई स्पीक इन शॉर्ट इन अ ब्रीफ वे, विच इज अनसेंसर्ड इन्फ्लुएंस ऑफ द मूवीज. टीनेजर्स जो हमारे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं लाइक 13, 14, 15 के एज के, दे गो एंड वॉच 18+ मूवीज. एंड वाई दिस 18+ इज मैंशन देयर, कुछ तो लॉजिक लगाया होगा ना जिसने भी बनाया होगा. तो उस चीज़ को लोग ब्रेक करके, पेरेंट्स भी ब्रेक करके उन्हें लेके चलते हैं और हाँ ठीक है जो भी देखा जाएगा, हम तो देखें, हमारे देखने से मतलब है. तो ये इन्फ्लुएंस उन पे आ जाता है और जैसे भी करके आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई. आप एक 18+ मूवी एक 13, 14, 15 एज के इंसान मतलब जो बच्चे को दिखाओगे तो वो एक गलत तरीके से इन्फ्लुएंस होगा. वाई, बिकॉज वो इमच्योर है अभी, उस चीज़ को समझने में उन्हें बहुत टाइम लगेगा. एक यू नो छोटा सा नॉलेज एक बहुत वास्ट नॉलेज के लिए अच्छा नहीं होता. एक वास्ट नॉलेज का प्रोसेस होता है, उसका एक टाइम होता है, उसका एक हर चीज़ का एक यू नो टाइम पीरियड, हर चीज़ का एक मैच्योरिटी लेवल होता है. सो ऑब्वियसली दे विल बी वेरी क्यूरियस अबाउट नोइंग दैट व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज दिस न्यू थिंग. जो भी क्राइम्स हो रहे हैं मतलब जो कि बच्चे यू नो द 14, 15, 16, 17 एज ग्रुप के बच्चे जो कर रहे हैं ये सब क्राइम, आई थिंक दैट विल रिड्यूस अ लॉट. बिकॉज ये इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा रहता है कि दोस्ती एंड ऑल यू नो फ्रेंडशिप, मीननेस बिटवीन द पीपल, दैट विल डिक्रीज अ लॉट मेरे हिसाब से. बिकॉज यू नो विजुअलाइजेशन एक ऐसा चीज़ होता है जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है लोगों को. सो सिक्स्थ पॉइंट जो है मेरा वो है पीपल बिकम वेरी वायलेंट. सो यू नो मूवीज़, बहुत सारे मूवीज़ ऐसे होते हैं जिसमें यू नो मार पीट दंगा बहुत कुछ दिखाते हैं. आई नो एक्शन मूवीज़ है, कुछ मूवीज़ ऐसे हैं
बट एक्शन मूवीज आर ऑल्सो 18+ कुछ कुछ मूवीज होते हैं, फास्ट एंड फ्यूरियस ले लो या फिर कुछ, दे आर ऑलवेज 18+ दे आर बहुत बहुत कम ऐसे मूवीज होते हैं जो नहीं होते. वेर एज आई फील इज यू नो बिकमिंग वायलेंट एंड रेबीलियस इन समथिंग इज वेरी बैड. मूवीज को देखकर अगर आप वायलेंट हो रहे हो, मूवीज को देखकर आपको अगर आपको मन हो रहा है कि आप बॉक्सिंग करना स्टार्ट कर दोगे और बॉक्सिंग करने से आपसे लोग डरेंगे, तो इट्स टोटली बायसिंग थिंग, इट्स टोटली रॉन्ग. ठीक है, यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यू डोंट नीड टू गेट इन्फ्लुएंस बाई एनी थिंग विच यू सी. आई जस्ट वॉन्ट गिव यू दिस मैसेज दैट अगर आपको इन्फ्लुएंस होना है तो रियल पीपल से इन्फ्लुएंस हो, रियल लाइफ से इन्फ्लुएंस हो. या सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज. सो दिस इज ऑल आई वॉन्टेड टू से कि हाँ, विजुअलाइजेशन अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड मूवीज तो बहुत ही ज़्यादा. तो आजकल तो क्वारंटीन में ज़्यादा मूवीज सब लोग देख रहे हैं, वेब सीरीज हो जाए जो भी हो जाए, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू से कि आपका एज ग्रुप का जो भी है वो देखना ज़्यादा बेटर रहेगा. या तो अगर आपको लग रहा है कि देर इज समथिंग फिशी इन दिस मूवी और वेब सीरीज, तो आप वो बंद कर सकते हो, आप नहीं देख सकते. अगर भी देख रहे हो तो प्लीज़ 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 इन्फ्लुएंस मत होना, बिकॉज दैट इज़ द वन थिंग विच मेक्स पीपल यू नो चेंज इन देयर लाइफ इन अ गुड वे और मे बी इन अ बैड वे, दैट डिपेंड्स upon you. So yeah, that's all I wanted to say. Thank you so much for watching this video. Like, share, comment and subscribe to my channel guys. Please subscribe to my channel agar aapko mere contents acche lag rahe hain.